दोस्तों, जब भी हम काइन मास्टर में अपनी वीडियो को एडिटिंग करते हैं और उसके बाद में इस वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसका क्वालिटी जो है उतना बढ़िया नहीं रहता जितना हमने कैमरा से शूट किया होता है। कहीं ना कहीं उसका क्वालिटी जो है वो लो हो जाता है, यानी कि वो अच्छी तरह से उतना क्लियर नहीं दिखता, HD में नहीं दिखता। तो आज की वीडियो में मैं वही बताने वाला हूं कि आप काइन मास्टर में एडिटिंग करने के बाद जब अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका जो क्वालिटी है उसी तरह रहेगा जैसे आपने कैमरा में किया था। साथ ही साथ दोस्तों, मैं ये भी बताने वाला हूँ कि काइन मास्टर का जो एक्सपोर्टिंग प्रॉब्लम बहुत होती है, यानी कि दोस्तों हम कभी वीडियो एडिट करते हैं और जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वो एरर मैसेज आता है, एक्सपोर्ट नहीं हो पाता। तो इस वीडियो में मैं वो प्रॉब्लम का भी जो है आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। आपका काइन मास्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पहले मैं सैमसंग का J2O सीरीज़ जो है वो यूज़ करता था, वो फ़ोन था मेरा। तो उसमें जो है मेरा रियर कैमरा 5 मेगापिक्सल था और फ्रंट कैमरा जो है वो 2 मेगापिक्सल करीब था। तो उसमें जो है उतनी खास कैमरा क्वालिटी नहीं थी और उसमें रिकॉर्ड करने का जो भी मैं अपने कैमरे से रिकॉर्ड करता था उसको फिर काइन मास्टर में जब एक्सपोर्ट करता था तो वो और भी उसका रेजोल्यूशन जो है वो कम के उतना क्लियर नहीं दिखता था। तो फ़िलहाल जो है मैं सैमसंग का J7 जो है ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका जो फ्रंट जो कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल है और रियर जो है वो 13 मेगापिक्सल है और इसका रेजोल्यूशन जो है वो लगभग 1280x720 जो पिक्सल है वो है। तो इसका रियर कैमरा से मैं शूट करता हूँ और वो पूरा फुल HD में शूट होता है, पूरे 13 मेगापिक्सल में जो है शूट करता हूँ। तो जो पहला प्रॉब्लम इसमें हमको ये आता है कि काइन मास्टर का अगर जो है मैक्सिमम जो है वो 720 फ्रेम जो है वही सपोर्ट करता है और रिकॉर्ड हमने किया है 1280x720, मतलब पूरा HD में। तो जब भी मैं कभी, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपना जो अभी आपने जो वीडियो देखा वो वीडियो कैमरा से मैंने शूट किया है इसी J7 से, तो उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ ये लाइव। तो ये जो है ये दो वीडियो है अभी मैंने शूट किया है, तो ये दिखा देता हूँ आपको। तो ये वो वीडियो है दोस्तों जो मैंने अपने कैमरा से शूट किया है और इस वीडियो को जब काइन मास्टर में इंपोर्ट करके इसका जो जहाँ भी मेरे को कट करना है, जितना परसेंट कट करना है कट कर देते हैं एक बार। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं सिर्फ आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, इसको बाद में मैं अच्छे से जो है अपने तरीके से मैं कर लूँगा। तो इसको मैंने चलिए एक कट लगा दिया यहाँ यहाँ से, फिर एक बार बीच में एक और इस बीच बीच में हमें जब वीडियो एडिटिंग करना पड़ता है तो तब जो 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 चीज़ हमें नहीं चाहिए उसको कट करना पड़ता है। तो इस तरह से मैं चलो आपको दिखाने के लिए 2-4 कट यहाँ से स्प्लिट कर देता हूँ वीडियो को, ठीक है। और तो ये मैंने जो है वीडियो को इस तरह से स्प्लिट कर दिया है कुछ वीडियो को और कुछ पर्सन का जो है मैं यहाँ से, चलिए ये पर्सन को मैं डिलीट कर देता हूँ, तो चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ जो है अपने वीडियो को थोड़ा बहुत कट क्रॉप करके सेट कर लिया। अब दोस्तों, इसको मैं शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, सेव टू गैलरी, और अब जो है सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वीडियो जो है अब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, अब जो है मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे जो है आप अपने वीडियो को मतलब बिना एरर लाए आप इस वीडियो को जो है HD क्वालिटी में ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं काइन मास्टर में। तो चलिए इसको मैं बैक कर लेता हूं और उसके बाद मैं इस वीडियो को मैं सारे को डिलीट कर लेता हूं पहले, और फिर से मीडिया ब्राउज़र में जाके कैमरा में से इस वीडियो को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये जो है अब मेरा ये वीडियो पूरा फुल वीडियो आ गया है ना। और अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसको बिना कट या स्प्लिट के कुछ भी नहीं करते, इसको डायरेक्ट मैं
सेव टू गैलरी में इसको सेव कर देता हूँ। अब जो है यहाँ मैं एक सवाल ये भी उठता है कि भाई अब हम जब इसको सेव करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका रिजोल्यूशन जो है वो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा और वीडियो की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों अब मैं एक आपको सेटिंग बता रहा हूँ जिससे जो है आपकी वीडियो की क्वालिटी जो है वो और बढ़ जाएगी और आपको जो है जैसे आपने कैमरा में आपने रिकॉर्ड किया था वही तरह का आपका क्वालिटी वीडियो रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं थ्री डॉट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में चेंज बिटरेट यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आपको जैसा फुल एचडी है, फुल एचडी उसके नीचे हाई एचडी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने हाई डेफिनेशन जो है, क्योंकि हाई डेफिनेशन में ही मेरा वीडियो जो है एक्सपोर्ट होता है, उसके अलावा फुल एचडी में मैं करता हूँ तो होता नहीं है, सपोर्ट नहीं करता है मेरे में। तो हाई डेफिनेशन भी जो है वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इसको जो है आप ये आप पहली बार जब आप देखेंगे तो आपका शायद इतना में रहेगा, है ना। तो इसको आपका जो भी चीज़ सपोर्ट करता है, चाहे वो एचडी हो, फुल एचडी हो, जिसमें भी आपका सपोर्ट करता है मोबाइल, तो उसको जो है आप यहाँ से फुल कर दीजिए। इसको फुल में रखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका एमबी भी जो है वो बढ़ रहा है ना। फुल में कर दिया तो अब ये है 158, जबकि आप ऊपर में अगर फुल एचडी में देखेंगे तो वो सिर्फ जो है 83 MB का है। अगर मैं इसको भी अगर बढ़ाऊं तो इस तरह से बढ़ सकता है। तो ये एडजस्टमेंट है आपका जो भी काइन मास्टर सपोर्ट करता है, चाहे अगर आप मीडियम क्वालिटी भी अगर सपोर्ट करता है और आप इसको अगर फुल कर देंगे तो आपका जो क्वालिटी जो भी आपका कैमरा रिकॉर्डिंग है वो ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं होगा। तो मैं जो है हाई डेफिनेशन में मेरा एक्सपोर्ट होता है तो इसको मैं फुल कर दिया हूँ। अब इसको यहाँ से ओके कर देते हैं और अब जो है मैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने जो है अपना उस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ से एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा जो रिजोल्यूशन है अभी वैसे के वैसे है जैसे पहले था, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। और इसको जो है एक बार चलिए बैक करके भी जो दिखा देता हूँ मैं, तो इसको बैक पूरा बैक कर देते हैं। और ये है हमारा वो वीडियो, इसको यहाँ से डायरेक्ट मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है ये ओरिजिनल कैमरा से लिया हुआ वीडियो है। और अब जो है मैं आपको जो मैंने एक्सपोर्ट किया है वो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से एक्सपोर्टिंग में ये अपना वो वीडियो है जो मैंने एक्सपोर्ट किया है, इसको मैंने राइट क्लिक कर लिया। अब जो है इसको चलो बैक करके यहाँ से आपको डायरेक्ट प्ले करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये वो वीडियो है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, सेम क्वालिटी जैसा मैंने कैमरा से रिकॉर्ड किया था सेम क्वालिटी ही इसमें आपको मिल जाएगी। अब यहाँ से मेरे को जितना भी यहाँ से जो ज़रूरत नहीं है वो पार्ट को मैं यहाँ से इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। जो भी मेरे को ज़रूरत नहीं है उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको चलो स्प्लिट कर देता हूँ। यहाँ से भी मैंने इसको चलो स्प्लिट कर दिया। यहाँ से फिर एक स्प्लिट कर देते हैं। यहाँ से लैब डिलीट कर देते हैं। यहाँ से मैं स्प्लिट कर दिया। तो इस तरह से मैंने अपना वीडियो को जो है जितना मेरे को चाहिए वो उस तरह से मैंने अपना वीडियो सेटिंग करने के बाद अब फिर से इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपको मैंने दो सलूशन बताया कि आप अगर आपका वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, हाई डेफिनेशन एचडी वीडियो है, आपने चाहे डाउनलोड किया है या आपने एचडी कैमरा से जो है शूट किया है, तो उसको किस तरह से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप अपना वीडियो का रेजोल्यूशन जो है वो हाई रख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को प्रेस करके अपनी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।